दोस्तों, अगर आप एक कंप्यूटर यूज़र हैं तो आप जानते होंगे कि रिसाइकल बिन क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा ऐप है जो आपके फ़ोन में रिसाइकल बिन का काम करेगा, तो आज है संडे और संडे के दिन मैं आप लोगों के लिए करता हूं ऐप्स और गेम्स का रिव्यू। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐप जो आपके फ़ोन में एक रिसाइकल बिन की तरह काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शरद है और माइंड लिंक की इस फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। करना क्या है आपको, प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप करना है डम्पस्टर। और डम्पस्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी गैलरी में और वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ को डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इस YouTube का फ़ोटो यहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम खोलते हैं डम्पस्टर और डम्पस्टर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फ़ोटो आ चुका है। यहाँ से आप इस फ़ोटो को परमानेंट डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर अपनी गैलरी में दोबारा सेव कर सकते हैं यहाँ से। मैं दोबारा गैलरी में सेव कर लेता हूँ और देखिए फ्रेंड्स, ये आ चुका है गैलरी में। इस ऐप का एक और फ़ायदा है कि आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं तो उसका बैकअप भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि मैंने इस गिटार टोनर ऐप को यहाँ से अनइंस्टॉल कर दिया। अब इसके बाद इसका बैकअप डम्पस्टर से मिल जाएगा। डम्पस्टर अपना ओपन किया, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, गिटार टोनिंग का जो वो ऐप था, इसका मुझे बैकअप मिल रहा है। अभी प्रोसेसिंग हो रही है और देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसका बैकअप मिल चुका है। अब मैं यहाँ से इसको दोबारा से क्या कहते हैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ और ये हो चुका है इंस्टॉल। काफ़ी अच्छा ये ऐप है, आपको एक बार ट्राई करना चाहिए इस ऐप। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो। और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय, जय हिंद।